गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णजी चक्रवर्ती, योर मैथ्स टीचर। टुडेज चैप्टर इज परसेंटेज एंड चैप्टर नंबर इज 16, एक्सरसाइज 16.1। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, 1/4, क्योंकि उसमें कितने पार्ट भरे हुए हैं, चार में से एक, इसलिए जो भरा हुआ पार्ट है वो भरा। टोटल उसके पार्ट कितने हैं, चार। डेसिमल फॉर्म में जब आप करेंगे तो 4/7 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.25, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, परसेंटेज फॉर्म। पहला हम लोग ने फ्रैक्शन किया, दूसरा डेसिमल, आप थर्ड क्या करेंगे, परसेंटेज फॉर्म। तो परसेंटेज फॉर्म को कैसे निकालेंगे, 100/4 कर देंगे, तो 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो यहाँ पर कितना लिखना है, 25%। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रैक्शन फॉर्म 1/2, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.5, परसेंटेज फॉर्म में निकालने के लिए 50% कैसे आया, 100 को 2 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने फिर से, तो 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50%। अब आते हैं सी पे, फ्रैक्शन फॉर्म 3/10, डेसिमल फॉर्म कितना हुआ, 10 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.30। अब परसेंटेज फॉर्म पे लेके आते हैं तो 3/10 इंटू 100, 0 से 0 को मैंने काट दिया, 0 से 0 को काट दिया, बचा क्या, 3 इंटू 10। अब 10 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 30, तो हम लोगों ने 30% ये दिया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन फॉर्म 1/8 होगा उसका, डेसिमल फॉर्म में अगर हम लोग निकालेंगे तो इससे 8 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.125, और परसेंटेज फॉर्म में निकालना है तो 100/8, 8 से इसको डिवाइड किया गया तो 12.5, मतलब 12.5%, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स में, बाकी के जो दो क्वेश्चन है नंबर 1 के, ई और एफ, वो आपको अपने से सॉल्व करना है, अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे ग्रुप में भेजेंगे, मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 को फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है आपको 1/4 और 25% उसके सेकंड वाले ब्लैंक में, इसके बी में भरना है 0.25 और 25%, सी वाले में लिखना है पर 100, ठीक है, बी वाले में 3/4 और 0.75, और ई में लिखना है 1/100। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1/4 25%, 0.25 25% पर 100, उसके बाद फोर्थ में 3/4 और 0.75 और इसमें 1/100, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फिल द ब्लैंक्स को आपने फिल कर लिया। मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में पर ए वाले को आप लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म 1/1, क्योंकि जो गोला होगा उसको आपको पूरा 100% भर देना है, ठीक है। बी वाले को सर्कल को भर दिया आपने 100%, और यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म 1/1 यहाँ पे भी, तो इस ट्रायंगल को भी पूरा आपको फिल कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रैक्शन फॉर्म निकलेगा हाफ, जो भी पार्ट है उसका एक पार्ट आपको मान लीजिए अगर वो लीफ है कुछ इस तरह से, तो इस लीफ के हाफ पार्ट को आपको कलर कर देना है, ठीक है, और एक पार्ट को छोड़ देना है। सेकंड डायग्राम में भी 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म 1/2, ये जो मैंने बनाया है ये फ्रैक्शन फॉर्म ही, इसको यहाँ पर लिखना है एज इट इज, ठीक है, हाफ। और यहाँ पर भी फ्रैक्शन फॉर्म हाफ लिखेंगे, जो भी डायग्राम बनाएंगे उसके हाफ पार्ट को आपको कलर करना है और हाफ पार्ट को नहीं करना है, मतलब उसका 50%। मान लीजिए एक पानी का ग्लास है, उसमें से आधा पानी निकाल लिया जाए तो 50% बचेगा। उसी तरीके से जैसे कि इसको हाफ करना है वैसे इसको 3/4 करना है, चार बॉक्सेस हैं, 3/4 मतलब उसका 1, 2, 3 पार्ट भरा हुआ है, तो 3 पार्ट को हम लोगों ने भर दिया, 1 पार्ट छोड़ दिया, तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या आ जाएगा, 3/4, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन 5th का, ये क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन था 4th का, ये था 3rd का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन पे, तो एक ट्रायंगल बनाना है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, उसमें से कितना पार्ट भरा हुआ है, 1, तो इस पार्ट को हम लोगों ने शेडेड कर दिया, तो उसका डेसिमल फॉर्म कितना हो जाएगा, 0.25 का, और फ्रैक्शन फॉर्म कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 है तो 4 पार्ट है, 4 में से भरा कितना है, 1 पार्ट, ठीक है, तो ये 1/4।
ठीक, आज 16.1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब वीडियो बनाएंगे तो 16.2 पे बनाएंगे। आप लोग कॉपीज कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कर दीजिए, और कॉपीज जिन लोगों ने कंप्लीट कर ले रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो कंप्लीट करिए क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 16.1 आज हमारा परसेंटेज का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 16.2 परसेंटेज का कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स, गुड बाय।